हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जागरूक नागरिक कार्यक्रम प्रोग्राम के तहत अपने इस आज के सत्र में पिछले सत्र से बातों को आगे बढ़ाते हुए एक सारांश आपको हम मॉड्यूल 3 का आपकी सुविधा के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मॉड्यूल 3 एक्चुअली मॉड्यूल 2 का ही सेकंड पार्ट है, और आपने देखा था कि मॉड्यूल 2 में कैसे हम अपने सार्वभौमिक संभावनाओं में से 6 में से एक जो है आत्मविश्वास और आत्मश्रद्धा का विकास करना, ये संभावनाएं हमारे अंदर निहित हैं। इसकी अच्छाई की असीमित शक्ति हमारे अंदर है, ज़रूरत है इसे केवल जागृत करने का, इसमें वृद्धि करने का। तो पिछले भाग में आपने देखा था कई अन्वेषणों के द्वारा कि कैसे बच्चे अपनी आत्मश्रद्धा या आत्मविश्वास में वृद्धि करते हैं, और वो वृद्धि उसके कल अर्थात आने वाले समय में कैसे सहायक होता है। इस भाग में भी हम लोग आत्मश्रद्धा को ही जागृत करेंगे, उसमें वृद्धि करेंगे, और इसके लिए हम लोग कुछ अन्वेषण देखेंगे। जैसे मैं एक संक्षिप्त टिप्पणी आपको इस हेतु विवरण दे रहा हूँ। जैसे पहले अन्वेषण में आप देखेंगे कि सुरेश और महेश दो बच्चे हैं आपके जैसे ही, और पिछली क्लासों का परीक्षा परिणाम उनको आज मिला है। दोनों अपने परीक्षा परिणाम को देखकर खुश नहीं हैं, थोड़ी दुख है उनको, मायूसी है उनको, चूँकि उनके अंक अच्छे नहीं आए। तो अब आगे सुरेश और महेश के सोच में, नज़रिया में क्या फ़र्क होता है, ये आप भी ध्यान देंगे। तो बच्चों, सुरेश अगले दिन की जो प्रतिक्रिया होती है वो सोचता है कि नहीं, मेरे अंक अच्छे नहीं आए, मेरे परीक्षा परिणाम अच्छे नहीं आई, मुझे और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, मुझे कड़ी मेहनत करनी है। और वो सोचता है, हालांकि ज़्यादा सोचता है और कम उस पर अमल कर पाता है, फिर भी कुछ न कुछ वो मेहनत में वृद्धि करता है। और फिर कई बार ऐसा भी होता है कि वो ये भी सोच लेता है कि इससे अधिक मैं और क्या कर सकता हूँ, जबकि महेश की सोच में थोड़ा फ़र्क है। महेश सोचता है कि केवल क्या अधिक मेहनत कर लेना, अधिक देर किताबों पुस्तकों को लेकर बैठने से ही मेरे परिणाम अच्छे होंगे? नहीं, उसके लिए हमारे पढ़ाई लिखाई के जो तौर तरीके हैं उसमें भी कुछ तब्दीली लाना होगा। और इस हेतु वो अपने शिक्षक से, माता पिता से इस संबंध में कैसे हम सुधार कर सकते हैं, ये वो सभी जनों से बात करते हैं, और महेश उस पर अमल भी करता है। तो दोनों के सोच में देखिए फ़र्क क्या है कि सुरेश एक तरफ थोड़े निराश से सोच में शामिल है, सुरेश की सोच में, जबकि महेश की सोच में क्रमशः सुधार की गुंजाइश दिखती है, और वो हिम्मत कर रहा है कि नहीं, मैं अपने में सुधार करूँगा। और नतीजा क्या होता है कि भविष्य में धीरे धीरे महेश के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, और वो तुलनात्मक पिछली परीक्षा परिणाम की तुलना में आगे की परीक्षा में अच्छे अंक लाता है। जबकि सुरेश भी सुधार करता है, परंतु उतना जितनी अपेक्षा है उतना नहीं हो पाता है। वजह, वो केवल अधिक मेहनत ही किया, उसने और चीज़ों में सुधार लाने का नहीं सोचा। फिर हम लोग अन्वेषण 2 में देखेंगे कि हेमा और साधना दो बच्चे हैं, दोनों ड्राइंग में, चित्रकारी में, पेंटिंग में भाग लेती है, दोनों का पेंटिंग भी अच्छा है, लोग उन दोनों की पेंटिंग का तारीफ करते हैं। परंतु आगे की जो बात है उसमें हेमा और साधना के सोच में थोड़ी फ़र्क आती है। वो फ़र्क ये है
कि हेमा सोचती है कि चलो मेरे ड्राइंग की तो सभी लोग बहुत तारीफ करते हैं, इसका मतलब है कि मैं चित्रकारी अच्छा कर लेती हूँ, तो फिर मुझे और क्लास करने की क्या ज़रूरत है। जबकि साधना की सोच में फ़र्क है। साधना सोचती है कि जब मेरे चित्रकारी के अभी के चित्रकारी को लोग इतनी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो यदि मैं इसमें और सुधार लाऊं तो मुझे और भी लोग स्वीकार करेंगे और हो सकता है कि उसके बाद मुझे और भी अच्छी चित्रकारी आएगी। और इस तरह से साधना अपने आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करती है। इसके लिए वो शिक्षक से मिलती है, अपने माता पिता से बात करती है, अपने साथियों से, अपने से एक दो क्लास ऊपर वाले बच्चों से भी वो बात करती है कि कैसे हम अपने कार्य में और गुणात्मकता ला सकते हैं। तो इससे बच्चों आप समझ पा रहे होंगे कि इन अन्वेषणों से ये स्पष्ट झलक रहा है कि दो बच्चे में जब हम तुलना देख रहे हैं, उनकी सोच में, उनके अमल करने में, उनके द्वारा किए गए प्रयास के बारे में, तो एक फ़र्क मिलता है कि एक बच्चे तुलनात्मक कम आत्मविश्वास की वृद्धि कर पाते हैं जबकि दूसरे उसमें ज़्यादा वृद्धि करते हैं। इसी तरह हम लोग अन्वेषण 3 देखेंगे जिसमें अनिका और शीतल दो बच्चे हैं, दोनों क्लास के मॉनिटर हैं, दोनों को मॉनिटर शिक्षक ने बना दिया है, परंतु परेशानी ये है कि दोनों की बातें शुरुआती दिनों में कक्षा के और बच्चे नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं। अब आगे इस अवज्ञा के कारण कि उनके जो मॉनिटर का दायित्व उन्हें मिला है उसमें दोनों ही को और बच्चे कक्षा के उचित मूल्य नहीं देते हैं, उनकी बात को अनसुना करते हैं, तो आगे की सोच में दोनों के बच्चे में क्या फ़र्क आया। अनिका सोचती है कि चलो कोई जब हमारी बात मानते ही नहीं, सुनते ही नहीं, तो फिर ये तो ठीक बात नहीं है, इसका मतलब है कि मैं एक असफल मॉनिटर हूँ और मुझे ये कार्य अच्छा भी नहीं लगता, मुझे छोड़ देना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ शीतल, उसकी भी बात का अवहेलना बच्चे शुरुआती दिनों में करते हैं, परंतु वो सोचती है कि जब शिक्षक ने मुझे मॉनिटर का दायित्व दिया तो कुछ सोच कर ही दिए होंगे, तो ठीक है बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं तो मैं शिक्षक से बात करूंगी, मैं अपने माता पिता से बात करूंगी कि कैसे हम इस दायित्व को और अच्छे से निर्वाह कर सकते हैं। तो धीरे धीरे लगता है कि आने वाले समय में मैं एक अच्छा मॉनिटर भी सिद्ध हो सकती हूँ, और परिणाम वैसा हुआ। अनिका तंग हो गई, वो इवन शिक्षक के पास पहुँच भी गई, बोली नहीं मुझसे ये कार्य नहीं होना है, जबकि शीतल क्रमशः उसमें आत्मविश्वास की वृद्धि होती गई और धीरे धीरे सारे बच्चे उसके अनुयायी हो गए और उनके सब कही हुई सारे निर्देशों का अक्षरशः पालन होने लगा। तो इससे हम देख पाते हैं कि ऐसे बच्चों के आने वाले समय में आत्मविश्वास किसी भी कार्य को करने में, ना केवल ये कार्य जो दायित्व उन्हें मिला है, बल्कि कोई भी कार्य करने में एक अलग ही आत्मश्रद्धा और आत्मविश्वास का भाव होगा जो उसको सभी कार्य करने में हिम्मत देगा। इसी तरह एक अन्वेषण और हम लोग देखेंगे जिसमें करण और रोहित दो बच्चे हैं, दोनों के अच्छे दोस्त लोग भी हैं, परंतु सारे दोस्त खुश नहीं रहते उनके स्वभाव से। वजह साफ है कि दोनों बच्चे थोड़े चिड़चिड़े स्वभाव के हैं, उन्हें इरिटेशन होता है, और बच्चे ये आप जानते हो जब कोई इरिटेट होता है तो आपके कक्षा में भी होता होगा कि आप उसे और जानबूझकर छेड़ते हो। तो कुछ वैसी ही स्थिति है कि करण और रोहित को दोस्त उतने पसंद नहीं करते क्योंकि इनके स्वभाव में गुस्सेल होना झलकता है, ये चीड़ते हैं, ये झिझकते हैं, ये रिएक्ट करते हैं। अब
आगे का जो डेज है उसमें देखिए कि दोनों के सोच में क्या अंतर है और उसका किसको अधिक फायदा होता है। करण सोचता है कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मेरी स्वभाव मेरी प्रकृति ही ऐसी है, ईश्वर ने हमको ऐसी ही प्रकृति दिया है, तो मैं इसमें और क्या कर सकता हूँ, अब गुस्सा होना ये मेरी प्रकृति है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, दोस्त नाराज़ होते हैं तो हो जाएं। जबकि रोहित की सोच अलग है, वो सोचता है कि क्यों हमारे दोस्त अच्छे दोस्त नहीं हैं, क्यों नहीं वो हमें पसंद करते हैं, तो उसे धीरे धीरे ये आभास होता है कि नहीं, मेरी प्रकृति ये जो चीड़ने की है गुस्सा करने की है ये ठीक बात नहीं है, दोस्त इसे पसंद नहीं करते, तो मुझे इसमें सुधार करना चाहिए। वो इस हेतु अपने मम्मी पापा से बात करते हैं, फिर वो शिक्षक से बात करते हैं, शिक्षक भी उन्हें उसी हिसाब से प्रेरणा देते हैं और सकारात्मकता का बोध कराते हुए बच्चे को सिखाते हैं कि कैसे आपको दोस्त के साथ पेश होना चाहिए, दोस्त की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, आपको गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए। नतीजा क्या होता है कि आने वाले समय में रोहित अपने स्वभाव में ज़बरदस्त तब्दीली कर लेता है और वही रोहित क्लास का सबसे अच्छा दोस्त सबों का चहेता बन जाता है और फिर रोहित को भी अपने रोज के रूटीन में एक अलग ही प्रसन्नता हासिल होती है। खुद रोहित सोचता है कि हाँ मेरे स्वभाव तो अब बहुत अच्छे हैं, सभी दोस्त मुझे पसंद करते हैं। तो बच्चों आप भी ऐसा बनो। आपने चार अन्वेषण देखा, चारों अन्वेषण में दो बच्चों को लेकर उदाहरण दिया गया कि कैसे आप अपने में आत्मश्रद्धा आत्मविश्वास का विकास कर सकते हैं। आइए शेष बातें हम लोग वर्ग संचालन में आप खुद अन्वेषण पढ़ेंगे, उसमें दिए गए सवालों का उत्तर करेंगे, एक सवाल पूछेंगे तो दूसरे उत्तर करेंगे। हमको बहुत विश्वास है बच्चों कि आप सभी इस कार्यक्रम को काफ़ी पहले से सराहते आ रहे हैं, बहुत पसंद करते हैं। आज का क्लास भी आपको बहुत मनोरंजक लगेगा, प्रेरणादायक होगा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने व्यवहार में परिवर्तन ला पाएंगे और अपने आत्मविश्वास में वृद्धि करके अपना व्यक्तित्व का निर्माण कर पाएंगे, अच्छे व्यक्तित्व का, जिसे कल अपने समाज परिवार और देश को आपका लाभ मिलेगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं, शुक्रिया।